झूठ बोलने में शर्म करो, बोलना छोड़ने ने कुछ नहीं किया राजस्थान में, हृदय जोशी ने कुछ नहीं किया, शूचर मात्र कुछ नहीं किया, जगन्नाथ पाड़े ने कुछ नहीं किया, अशोक बन के 10 साल तक वो हाथ पे हाथ धरा बैठे रहा बस, और इन्होंने काम किया। अरे मिली नहीं जनता ने, वो काम क्या करेगी? हाँ मिलो तो मालूम पड़े जनता की तकलीफ क्या है। आज जो कानून बन गया गेहूं देने का 2 रुपए किलो गेहूं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी ने बनवाया कानून बना के काम देने के लिए, नरेगा की तरह कानून बना हुआ है पार्लियामेंट का, वो इनकी सरकार आई तो नाम काट दिया आधे जो हमने लिखे थे, जो काम के नाम रखे उसमें 25 लाख परिवारों को आज गौचले नहीं मिलता, जो पोस्ट मशीन लगी हुई है राशन दुकान पर वो काम करती नहीं है, अंगूठा मिलता नहीं, अंगूठा घिस जाता है मजदूरी में काम करते करते, क्यों मिलते नहीं बताओ, मिलता है वहां पर बताइए आधे राज्य सर। तो फिर काम क्या किया आपने? अगर आप जनता ने मिलती तो जनता कहती भाई कह रहा हम क्यों नहीं मिल रहा था, फिर मुख्यमंत्री हो कोई कार्य भी करती आप जनता का भला होता, ये नहीं मिलने का आपने तय क्यों कर लिया? दौरे किए नहीं किए कहीं पे तो राजा महाराजा महलों में जाकर रही है, रुकी है वहां पर सैकड़ों से नहीं रुकी है, या 5 सीटर होटलों में रुकती है जहां कोई घुस नहीं सकता कोई आदमी, ना महलों में ना होटलों में जा सकता कोई आदमी। तो मेरा सबसे बड़ा प्यार तो यही है वसुंधरा जी, आप बताओ 10 साल तक आप जनता से मिली क्यों नहीं, उनके मन की बात क्यों नहीं समझी आपने? और हमारी स्कीमें बंद क्यों कर दिया? रिफाइनरी बंद 55 लाख की, लाखों लोगों को काम मिलता, बांसवाड़ा डूंगरपुर आपके मेवाड़ का रेल नहीं, वहां पर हमने वहां पर काम शुरू करवाया रेल का, वो काम बंद कर दिया, मेट्रो बंद कर दी जयपुर की, बांध बना रहे थे हम लोग बहुत बड़ा हड़ौती के अंदर सिंचाई के लिए, वो डिले कर दिया, उनका खुद का क्षेत्र था, कोच फैक्ट्री आ रही थी आपकी भीड़ोड़ा के अंदर, सोनिया गांधी जी आ गई शिलान्यास हो गया, सीपी जोशी जी मंत्री बने थे रेलवे के, सेंक्शन भी कर दी। आप बताओ ये बड़े बड़े काम अगर प्रयास करते कोई काम होता नहीं होता हम जानते हैं, तो आप प्रयास ही नहीं करो, इतनी लापरवाही सीएम लेवल पे किस काम की बताओ? इस रूप में शासन किया, अब आप गौरव यात्रा में निकल पड़ी, मैंने कहा वसुंधरा किस बात का गौरव मना रही है आप बताओ? आपकी विजय यात्रा है, विजय यात्रा है, काले झंडे दिखा दिए इनको, काले झंडे दिखा दिए भड़क गई उससे, पुलिस वालों का कि क्या लगा रखा ये काले, मेरे का वसुंधरा जी ये माँ बहना बैठी है, बच्चा पैदा होता है बच्चा छोटा होता है काला टीका लगाती है, नजर नहीं लगनी चाहिए बच्चे की, नजर नहीं लगे अगर आप काले काले टीके से काला झंडा एक रही है भाई क्यों आप घबराती हो? नेता लोगों तो आदत पड़ लो हम गवर्नमेंट को मारने की तरह है, जिंदाबादी करेंगे तो मुर्दाबादी करेंगे, धरना भी देंगे प्रदर्शन भी करेंगे अपना गुस्सा प्रकट करेंगे, लोकतंत्र है, जिस दिन ये नहीं रहेगा धरना नहीं रहेगा प्रदर्शन नहीं रहेगा आपके बोलने की आजादी नहीं रहेगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? ये कांग्रेस का दिया हुआ लोकतंत्र है इसमें बोलने की आजादी है, आलोचना कर सकते हो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की एमएलए एमपी की, वो अधिकार खत्म हो जाएगा तो कह देंगे आप राष्ट्रविरोधी हो, और ये समय लग गया आज राज के अंदर सब जगह पर, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में आजादी होनी चाहिए, काम हो तो शाबाशी दो, काम नहीं हो तो आप आलोचना करो, आंखें खुलेगी राजनेताओं की अधिकारियों की, घबराएंगे काम करेंगे, ये कायदा होता है, पर ये नहीं किया आपने, इस प्रकार से आपने राज किया। और अब जो है अमित शाह जी आए अभी वहां पर, उनके झुके प्रणाम करेंगे मुख्यमंत्री जी, आधी झुक गई, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ये आप आधी झुकी के सामने इतनी झुकती आप इन आम जनता के सामने, ये माई बाप है हमारे लोकतंत्र में, तो आपकी आज स्थिति ये नहीं होती, लोग गुस्से में नहीं आते, अब तो आप टणके रही सीधी,
महिलाएं बैठी हुई है, कभी चुनरी पहन रही है, कभी लड़के लड़के कर रही है, काम चला लिया अपना, उसे काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। आपको इतना भारी बहुमत मिला, 263 सीटें किसे कहते हैं? आपको चिंता होनी चाहिए थी जनता की, कोई जनता क्या सोचेगी काम नहीं करूंगी तो, कोई चिंता नहीं रही आपको। पिछली बार मैंने बहुत अच्छे काम किए थे, वैसे पेंशन भी और मैंने कहा दवाइयां भी, पता नहीं क्या क्या मैंने काम किए, तो मैंने कहा सरकार हमारी वापस बनेगी, तो एक दिन मैंने कह दिया अगर नहीं बनेगी तो आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी, और वही हुआ। वसुंधरा जी ने मेरी बात सुननी होगी कहीं, तो उन्होंने काम करने के तो समझ गई काम करने को मतलब नहीं है, काम करके बहुत देख ली। तो एक MLA गए दो तीन उनके पास कि मैडम काम हो नहीं रहे क्या, मुंह से जाए गाँव के अंदर, तो आपको पता मैंने जवाब क्या दिया है? उन्होंने जवाब दिया कि देखो मैं रहती हूँ सिविल लाइन में, मेरे सामने कौन रहता पता है? क्योंकि सिविल लाइन में मेरा मकान और सुंदर जी का मकान आमने सामने है। तो उन्होंने MLA भी कहा सामने तो वो रहता है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं, कि उनको जाके पूछ लो, खूब काम करके दे लिया वो चुनाव हार गया, वहाँ बैठा और मैं यहाँ बैठ के बिना काम के बैठा। ये काम किया उन्होंने, करप्शन की हदें पार कर गई, नीचे से ऊपर तक भयंकर करप्शन हुआ, IAS ऑफिसर जेल तक गए हैं, PhD के अंदर आपके जो यहाँ पर विधायकारी हैं मंत्री थी उनका विभाग बदल दिया राजा वसुंधरा जी ने, बड़ी कृपा करी बदल की आपने, बाकी तो बदला नहीं, विभाग के ही मंत्री भ्रष्ट है वहाँ पर, कोई परवाह नहीं करी उन्होंने, खूब मांग उठे लोगों ने, कोई परवाह नहीं करी उन्होंने। आप बताओ कि बजरी के अंदर इन मानी होती रही है, आज गरीब आदमी मकानी बनाने की स्थिति में 40,000, 30,000 ट्रक मिलती है बजरी की, ये 5-6 हजार मिलती थी, अवैध खनन हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, पैसा नीचे ऊपर से पहुंच रहा है इलीगल माइनिंग का, रॉयल्टी देते नहीं वो लोग, खनन बंद कर दिया ऑफिशियली, इलीगल चालू करवा दिया, ऊपर से पैसा पहुंचे, वही पैसा चुनाव में काम आ रहा हमारे खिलाफ में, कैसे बचेंगे हमको? ये स्थिति है, बिना पैसे सुनवाई कहीं होती नहीं है नीचे ऊपर तक, तो चारों ओर हाहाकार है, कानून ऐसे इतनी चौपट है, रोज सुनते हैं डकैती है, चोरी है, महिलाओं के गले से चैन खींच लेना, बलात्कार बच्चों के साथ में कितने हुए राजस्थान में, आज राजस्थान जो है 5वें नंबर में देश के अंदर क्राइम के अंदर 5वें नंबर देश में, और दलितों में 3000 में 30वें नंबर पर है राजस्थान, ये स्थिति है, महिलाएं भी सुरक्षित तो नहीं राजस्थान, नौकरियां दूंगी 5-15 लाख नौकरियां दूंगी, कहां दी नौकरी? 4 बच्चे 4 दिन पहले एक साथ में रेल के आगे कूद गए हैं अलवर में, चारों मर गए वहां, और एक आदमी डिप्रेशन में आ गया, बीमार हो गया, गुस्से में कूद गया, समझ में आता है? 4 दोस्त 22-23 साल के चारों मिलकर एक साथ कूद जाए, आप कल्पना करो कि नौकरियां मिलेगी नहीं इस प्रदेश के अंदर, कैसा माहौल में ये राजस्थान चल रहा है? कहने का मतलब आपसे यही है कि काम के ये लोग कुछ भी कहें, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ कह सकती हैं, 70 साल में क्या किया, अरे 70 साल में राजस्थान में क्या था, पूजन को मानोगे, व्यवहार क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था, क्या बिजली नहीं समझते लोग, बिजली होती क्या, सुई नहीं बनती थी यार, क्या नहीं बनता यहाँ पर? राहुल गांधी सवाल पूछते रेफेल का, 500 करोड़ का लड़ाकू विमान बिना टेंडर के 1600 करोड़ में खरीदने लगे, जवाब नहीं कोई भी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बातें करने की बहुत सारी हो सकती है, कांग्रेस राज में प्रशासन शहरों की संग अभियान चलाया, गांव में प्रशासन गांव की संग अभियान चलाया, तो पट्टे दिए गए हो, जितने रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करने की बातें थी, सब तरह की सुविधाएं गाँव वालों को शहरों को दी गई, गाँव में पट्टे भी दिए गए, शहर के अंदर भी आपके राजसमंद में करीब 70 करोड़ रुपये उन्होंने सेंक्शन करवाया अलग से, सड़कों के लिए भी, सीवरेज सिस्टम के लिए भी, पानी के लिए भी, वो कमी नहीं रखी, काम कर रहे घाटे नहीं रखे, पर सरकार फिर भी नहीं बन पाई हमारी,
इस बार माहौल आपके आशीर्वाद के पक्ष में है। आप कृपा करके महान सिंह जी को जिताओ भारी बहुमत से और लंबे अरसे जब जीत नहीं पा रहे हैं आपसे। इस बार तो चारों सीटें आपकी जो है सीपी जोशी जी हैं, डॉक्टर सीपी जोशी जी है नाथवाला में, राजसमंद में नाथ जी है, भाटी जी बी में सुदर्शन सिंह रावत है, कुमलगढ़ में गणेश परमार जी है। चारों सीटें जीते की रिकॉर्ड बनेगा राजसमंद का, हमें बड़ा गर्व होगा। ये मैं आपसे अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और जीत सकते हैं इस बार, आप जीत सकते हैं। पुरानी कसर सब निकाल दो, एक साथ में निकाल दो कसर। ये कोई वोट कीमती होता है, आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट पार्लियामेंट एक वोट से गिर गई थी। अगर एक वोट मिल जाता तो चुनाव नहीं होते 99 के अंदर, एक वोट से गिर गई तो वापस चुनाव हुए पूरे देश के अंदर, पार्लियामेंट में चुनाव हुए एक वोट से गिरने से। डॉक्टर सीपी जोशी जी एक वोट ही चुनाव हार गए, बताइए एक वोट से हारना किसे कहते हैं। ये कृपा करके बहुत अमूल्य वोट दिया हुआ, ये वोट भी दिया कांग्रेस से दिया जनता को, देश ये लफा जी करते हैं कि कांग्रेस है क्या क्या 76 साल के अंदर। अरे ये लोकतंत्र दिया देश को, वोटों का राज दिया, सबको एक वोट का अधिकार दिया समान, चाहे अमीर हो या गरीब हो, नेता हो, सरपंच हो, एमएलए एमपी हो, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, सबको झुकना पड़ता है जनता के सामने। ये अधिकार दिया है कांग्रेस ने महात्मा गांधी के जमाने में, क्यों भूल जाते हैं हम लोग। अगर ये वोट का मालिक आप नहीं होते, वोट के धनी आप नहीं होते तो कोई गरीब पूछता ही नहीं। आज तो निर्णय करने पड़ते भाई, मीटिंग में चलो, घर घर जाके वोट मांगने पड़ते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने पड़ते हैं। आप बताइए ये किसने अधिकार दिया? मोदी जी ने दिया। अरे मोदी जी की पार्टी ने तो सुनो, आजादी जेल में पंडित नेहरू 10-12 साल जेल में रहे थे, किसे कहते जेल में रहे जमाने में, अमीर बाप का बेटा था मोतीलाल नेहरू का, तो फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों में गए, लाठी खाई, गोलियां खाई, तब जाकर आजादी मिली हमें। आजादी के बाद में इंदिरा गांधी जैसी महान नेता महिला थी, वो बांग्लादेश का उदय कर दिया, 90,000 सैनिकों को, जनरल को, कर्नल को शरण करवा दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, महिला थी देश की महान नेता थी। उनकी हत्या हो गई क्योंकि उसने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा, ये त्याग किया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, आप तो ये कहते क्या किया? अरे जो कहते हैं उनको पूछो, आपकी पार्टी ने आजादी के जंग के अंदर अपने अंगुली कटाई है क्या? जिन्होंने अंगुली नहीं कटाई है ये मुखबिरी करते थे लोग अंग्रेजों के जमाने के अंदर, जो सर्टिफिक पार्टी को पकड़ाते थे लोग। अब बताओ उनकी हिम्मत हो जाती कहने की 70 साल में क्या किया कांग्रेस, जो कुछ किया कांग्रेस ने, आधारभूत ढांचा तैयार किया तो पंडित नेहरू ने किया, बड़े बड़े कल कारखाने लगा दिए, इस्पात के कारखाने लगा दिए, बांध बना दिए, क्या नहीं किया उन्होंने, फिर भी सुनना पड़ता क्या किया। ये अज्ञानी लोग नहीं ऐसे बोले, जानबूझ के बोलते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, सोशल मीडिया को दुरुपयोग करने के लिए, नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए। आज देश को जोड़ दे कांग्रेस की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, देश को जोड़ दे कांग्रेस की है पूरे मुल्क के अंदर। घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, बना दिया लोगों ने। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई हमारी है, हमारी विचारधारा दूसरी है जो गांधी जी दी हुई है, हमारे नीति कार्यक्रम देश हित में है, गरीब गांव किसान के हित में है, दलित के हित में है। इन्होंने इनकी प्राथमिकता ना किसान है, ना मजदूर है, ना नौजवान है रोजगार देने के लिए, नौकरी के लिए, ये प्राथमिकता अलग ही है। बड़े बड़े जुमले बोलो बस, अच्छे दिन आएंगे, अभी तो आए नहीं अच्छे दिन, 5 साल निकल गया है। बड़ी बड़ी बातें खूब करी पर कोई कामयाबी नहीं मिली, अभी समझ गए हैं कि 5 साल के उपलब्धि का हिसाब किताब जनता के सामने क्या रखेंगे, तो भावात्मक मुद्दे उठाते हैं जो आप पढ़ते होंगे, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं 5 साल के उपलब्धि के हिसाब किताब जनता के सामने क्या रखेंगे,
भावात्मक मुद्दे उठाते हैं, जो आप पढ़ते हो मैं उनको रिपीट, 5 साल के उपलब्धि का हिसाब किताब जनता के सामने क्या रखेंगे, तो भावात्मक मुद्दे उठाते हैं, जो आप पढ़ते होंगे मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको अपील करूंगा कि